वहीं देहरादून में कई साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। जहां तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में, विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं, और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है, तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं।